रिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक अगेन डिजिटल वर्ल्ड और हम गए हुए थे सब वे वहाँ से सैंडविच लिया था और उससे पहले हमने की थी काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी टेस्को से की थी हमने और ये है वीकली ग्रॉसरी हॉल और क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं सो उनके लंच बॉक्स में देने के लिए उसके अलावा जो भी एंड बॉब मिसिंग था घर में वो लिया है चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस को से क्या लिया है सबसे पहले तो मेरे पास है डेरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये है एक फुल फैट आ, मिल्क है इसकी बड़ी बॉटल ले ली थी और पीछे जो है वो आ, ग्रीन टॉप वाली है सेमी स्किम मिल्क है उसके अलावा चार मैंने ले लिए थे इसके आ, आ, इसके लॉन्ग लाइफ ले लिया था मिल्क और ये लॉन्ग लाइफ है अगर इनकेस फ्रेश मिल्क अवेलेबल नहीं है घर में फिनिश हो गया है या फिर नहीं आ सकता रात को ख़त्म हो गया तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि के आपके पास लॉन्ग लाइफ मिल्क हो ताकि आप उस टाइम जो है वो यूज़ कर लें और इसके अलावा ये है ओट मिल्क ये भी लॉन्ग लाइफ है मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रिज में है सो क्योंकि इसको सिर्फ रूहान यूज़ करता है तो आ, ये मैं बाहर ही रख दूँगी स्टोरेज में और एल्प्रो का जो ओट मिल्क है या किसी भी कंपनी का इस मोर हेल्दियर देन। काउस मिल्क और ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि जिन बच्चों को डेरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है वो कोई और मिल्क भी ट्राई ज़रूर करें सो रोहान के लिए उसके जो डॉक्टर है उसने सजेस्ट किया था आप इसके लिए ओट मिल्क यूज़ करें और इसके अलावा जो है ये है मोजरेला एंड मोजरेला एंड चीज़ मिक्स है और क्योंकि पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाना होता है वैसे भी बच्चों को चीज़ देती हूँ मैं डेली बेसिस पे सो उसके लिए चाहिए होती है मुझे और ये है चंकी आ, क्रिस्पी बैटर सिक्स फ़िश फिंगर्स हैं और ये बर्ड्स आई के हैं इसके अंदर इस तरह से लॉन्ग विद आ, क्रंची आ, जो है वो इसकी टॉपिंग है क्रंची बैटर आ, है इसके ऊपर सो एक तो होते हैं ना फिश फिंगर्स वो ये वाले हैं और ये थोड़ी सी इसकी जो ऊपर इसका इसकी कोटिंग है वो थोड़ी सी क्रिस्पी है सो so, ये भी बर्ड्स आई के हैं और इसके अंदर सिक्स हैं हंड्रेड परसेंट फिश फिलर्स है और इसके अलावा ये है फ़िश फिंगर्स हैं ये और ये है ओमेगा थ्री फिश फिंगर्स और ये भी बर्ड्स आई के हैं और इसके अलावा ये इनाया काफ़ी शौक से खाती है फ्लिपर डिपर्स की फिश सो ये है और इसके अलावा बच्चों के लिए है आइसक्रीम जिसमें मैगडम बाइट्स हैं और ये है क्लासिक क्लासिकलमंड विद वाइट चॉकलेट इसके अंदर जो है वो तीन तरह के हैं एक तो प्लेन चॉकलेट के साथ है एक वाइट चॉकलेट है और एक जो है वो एलमंड्स के साथ इसकी टॉपिंग है और इसके अलावा ये हमने लिए थे टेस्को के मिनी चॉकलेट आइसक्रीम्स हैं इसमें भी तीन है प्लेन वाली प्लेन चॉकलेट वाइट चॉकलेट एंड विद नट्स और इस तरफ है ये बिग बैग हमने ले लिया था फ्राइज़ का और ये स्ट्रेट कट फ्राइज हैं बिग वाले जो बड़े होते हैं और थिक होते हैं वो वाले हैं स्ट्रेट कट हैं और ये इसका हमने बड़ा बैग ले लिया था उसके अलावा है कोर्ड फिलर्स जो कि हमेशा आती है प्रॉन्स हैं और इस साइड पे आए तो ये किचन टावल्स और इसके अलावा एग्स हैं वाटर्स वाटर बॉटल्स हैं डिस्पोजेबल और इसके अलावा ये है टॉयलेट के लिए और ये uh, है टेस्को का एंटीबैक्टीरियल uh, जो है वो लॉन्ड्री क्लेंजर है और uh, इसके है इसके अंदर जो है वो uh, क्या कहते हैं इसका मैं डेटोल का भी यूज़ करती थी लेकिन इस बार जो है मैंने ये टेस्को का लिया है लर्सी कि ये कैसा रहता है आई होप अच्छा ही होगा उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल है uh, टॉयलेट रोल्स हैं और टिशू का बॉक्स है और अब चलते हैं दूसरी साइड पे और इस साइड पे सारी ये ब्रेड वगैरह है जिसमें ये है बटर ब्रियोश रोल्स हैं और ये रोहन के लिए आते हैं और वैसे नाया भी खा लेती है ये सब भी खा लेते हैं लेकिन स्पेशली रोहन काफ़ी शौक से खाता है और ये है सीडीड ब्रेड जो कि बारबन की है एंड इट्स आल्सो हलाल एज वेल और यह सिक्स प्लेन मिनी रैप्स और इसके ये भी बच्चों के लिए हैं उनके लंच बॉक्स में देने के लिए और वैसे भी इसके अंदर कभी बच्चों को एयर फ्रायर में फिश बना के वो लगा दी कभी एग एंड चीज़ ऑमलेट बना के वो लगा दिए कभी नटैला लगा दिया कुछ भी अंदर फिल करके तो बच्चे काफ़ी ऐान काफ़ी शौक से खा लेते हैं और वैसे भी अगर कुछ भी नहीं है तो ये सालन के साथ भी वो खा लेता है कभी कभी और इसके अलावा है ये टेस्को के हैं ये नान रैप्स और इसके अंदर जो है वो सीड्स हैं और ये भी बड़े मज़े के होते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स में मैंने सिर्फ आज एप्पल और बनाना लिया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ग्रेप्स और ब्लूबेरीज और ऑरेंजेस वग़ैरह थे तो मुझे ऐसे कोई फ्रूट नहीं चाहिए था और ये है अनियंस मैं वाइट अनियन यूज़ करती हूँ और इसके अलावा ये है कैडर्स जो कि कैज जलाती है रेड पोटैटोस आजकल मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है सो रेड पोटेटोज ही मैं यूज़ करती हूँ कभी अगर अवेलेबल ना हो तो फिर वाइट वाले ले, ले लेते हैं और क्यूकम्बर है कैरेंडर है और इसके अलावा ये आइसबर्ग है और इस साइड इस साइड पर आएँ तो ये है आ, टेटली की मैं यूज़ करती हूँ चाय और टी बैग्स हैं ये ब्राउन शुगर हम यूज़ करते हैं वाइट शुगर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ किसी डिज़र्ट में अगर डालनी हो तो इस साइड पे आए तो बच्चों का ये सारा जंक सेक्शन है और ये मैंने बच्चों से छुपा के रखा होता है और मैं एक दफ़ा ले आती हूँ फिर काफ़ी देर तक ये चल जाता है और काफ़ी ईजी और कन्वीनियंट रहता है जिसमें मेरे पास हैं ये डेरी मिल्क के बटन्स और इसके एक मिल रहा था इसका जो छोटा बैग होता है उसमें आई थिंक वो वन पाउंड का था लेकिन उसमें सिक्स बैग्स थे अगर अगर आप बड़े वाला लेते हैं उसमें आपको वन पाउंड एंड आई थिंक फिफ्टी नाइन या ट्वेंटी नाइन का था उसमें ट्वेल्व बैग्स मिलने हैं सो इसलिए मैं बड़ा इसका बैग लेती हूँ वो ज़्यादा आपको इकनॉमिकल पड़ता है और इसके अलावा ये है मिल्क uh, चॉकलेट के हैं फ्लिप और ये सफाई थी नया है ये uh, कैटबरी की कुकीज़ बाइट सो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं और uh, लड़की अच्छा ही होगा और मैंने सोचा चलो इसको लेते हैं और मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा वहाँ पे शायद मैंने मिस कर दिया हो लेकिन मैंने सोचा चलो इसको देते हैं और ये है स्मार्टिस और इसके अलावा ये ऐान के लिए लिया था चॉकलेट मिल्क शेक है हाँ, कभी इसको लंच बैग में दे दूँगी या वैसे भी अगर उसने पीना होगा तो वैसे मैं इसको लंच बैग में शायद कम ही दूँ क्योंकि अंदर उन्होंने हीटिंग ऑन उन्हों की होती है स्कूल में तो इसको ये घर में ही वो यूज़ करेगा और ये बच्चों के लिए हैं वॉकर्स के फ्रेंच फ्राइज़ हैं और इसके अलावा हाँ ये पटेटोज फ्रेंच फ्राइज़ हैं लेकिन पटेटोज़ ही हैं लेकिन उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ शेप में काटा हुआ ये वॉकर्स के हैं और यहाँ ओरियो औरियोथींस हैं ये भी काफ़ी शौक से बच्चे खाते हैं सो तो ये लिए थे और ये नाया के बिस्किट्स हैं रुहान के बिस्किट्स हैं जो कि हर दफ़ा आते हैं और ये है योगट और ये है पापे इसके ऊपर बना हुआ और क्योंकि बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होकर फिर इस से ले लेते वरना बच्चे एक जैसा योगर्ट खा खा के बोर हो जाते हैं बच्चों को इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें दो ना तो फिर बच्चे शौक से खाते हैं और ये मैंने ली थी टेस्को की ये है इंडिविजुअल रैपिंग में ये है माइल्ड चैडर है और ये इस तरह से ये चीज़ है रेक्टेंगल शेप में और सेपरेट पैकिंग में है और ये भी बच्चों के लंच बैग में या वैसे भी बच्चों को दे सकते हैं घर में और ये है नेस्ले के है ये चॉकलेट के साथ है ये मिल्क स्लाइस ये भी मैं अक्सर लंच बैग्स में देती हूँ या वैसे भी बच्चों ने लेना हो और ये है पार्टी केक्स और ये भी हर दफ़ा ही आते हैं और ये ब्रेड स्टिक्स और ये है टेस्को का पिज़्ज़ा बेस मिक्स है उसके मैंने सिक्स पैक्स ले लिए थे Vitabix है और ये डिस्पोजेबल मुझे प्लेट्स चाहिए थी प्लास्टिक कंटेनर्स एंड सो दैट्स इट और यहाँ पे मेरा बच्चा पार्टी आ गए थे वापस स्कूल से और आज उनका वर्ल्ड बुक डे भी था सो बच्चों ने काफी वहाँ पे इंजॉय किया अपना डे और अभी मैं उनको थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए देने लगी हूँ और मैंने ये बॉयल किए थे कॉर्न काफी शौक से खाता है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी और पहले अयान जो है वो स्पाइसी फूड ट्राई नहीं करता था लेकिन अब वो आ, स्पाइसी फूड थोड़ा बहुत खा लेता है सो so, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया था और थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी तो काफ़ी शौक़ से वो खाता है वैसे तो आप इस कॉर्नस को आप अमन में भी बना सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में इसको शेयर किया हुआ है मैं इसको फॉइल पे रैप करती हूँ और इसको ओवन में रख देती हूँ तो काफ़ी अच्छी तरह से वो स्टीम हो जाते हैं लेकिन आज मैंने इनको बॉईल किया था और थोड़ा सा बटर डाला है चाट मसाला डाला है और ये स्नैक जो है वो रेडी है और साथ में बना के मैंने दिया था बच्चों को पिज़ा रुहान जो अभी ज़्यादा नहीं खाता चीज़ तो उसको मैंने थोड़ी सी चीज़ लगा दी थी इन को मैंने फिश नगेट्स बना दिए थे साथ में ये स्टार शेप में पोटैटोस थे वो बना दिए थे एयर फ्राई में और ये है अनान का पिज्ज़ा भी रेडी होने लगा है इसके ऊपर मैंने थोड़े से कॉर्नस लगा दिए थे चीज़ है और टमाटो पी लगा दी थी सो दैट्स इट बच्चे अपना जो है वो स्नैक इंजॉय और ये था आज का ग्रॉसरी हॉल आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी आइडियाज़ भी मिले होंगे बच्चों के लंच बॉक्स के अकॉर्डिंग और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़